हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आई एम हेयर विद द इंग्लिश कोर्स बुक। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल रिमेंबर, वी आर टेकिंग द चैप्टर थ्री। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? चैप्टर थ्री, एंड द चैप्टर नेम द प्रोटेस्ट। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी वर ऑन पेज नंबर 31, एंड देयर वॉज द टॉपिक अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, कल हम लोग इसको रीड कर रहे थे। एंड नाउ द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ आर रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन वॉज गिवेन ऑल्सो ऑन द पेज नंबर 32। सो बिफोर एंड यू हैव द एक्सरसाइजेज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस आर्टिकल्स टॉपिक। ओके, सो बिफोर दिस एक्सरसाइज वी विल read and learn there. Now what are the uses of these articles like your a and an. Okay, so we'll start from here, from first. Yahan se dekhte hain. When we want to express a singular noun, means whenever we are expressing any singular noun, we are talking about any singular noun, that is, okay, that is when we have only one of something, and in that place a and before that naming word. Means whenever we have our word in singular noun, during that are we are having anything that is only one of something, so uske place pe hum kya use karte hain, a or an ka use karte hain before that naming word. और जो भी हमारा नेमिंग वर्ड है, लाइक योर पीपल, पर्सन, थिंग्स, उसके उस नेम से पहले हम ए आर एन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ ओनली वन, आइदर ए आर एन, वी डू नॉट यूज़ बोथ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सी द यूजेज ऑफ ए एन एन। स्टार्ट, वी यूज़ एन बिफोर एनी नेमिंग वर्ड दैट बिगिन्स विद अ वोवेल साउंड। एंड नाउ इट्स टाइम टू लर्न दैट where will we use of an. We use an, हम an का use करते हैं before, okay, पहले any naming word, means किसी भी naming word के पहले, that begins, जो कि start शुरू होता है, with a vowel sound, vowel sound के साथ, means vowel letter के साथ। कहाँ an का use करते हैं? अगर हमारे पास कोई naming word है, कोई word है, okay, और वो वर्ड आपका जो है, वो उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वोवेल लेटर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स, एंड आल्सो दैट वर्ड इज़ इन द सिंगुलर नाउन, और वो वर्ड आपकी सिंगुलर नाउन में है। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन में है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ओके, वी विल यूज़ एन आर्टिकल लाइक before the word. Clear? देखिए example, you can see the examples here. Okay students, तो हम क्या use करते हैं, कहाँ पर एन का use करते हैं? Before any naming words जो आपका vowel sound के साथ या vowel letter के साथ start होता है। Example, you can see example, यहाँ देखिए ambulance, the first letter of this word is being started from vowel letter, ambulance, ये आपका vowel है ना। Then now see, there is added what, and क्या add है यहाँ पर आपका, कौन सा article add है, an ambulance. Clear? Next, ice cream, this word is being also started from vowel letter, there is also added an already. And next you have umbrella is also your vowel sound, and you can see there is also the used of an. Clear? Now it was the uses of your an. Now we will see the use of a. Start from here. We use a before any naming word that begins with a consonant. Now where do we use of a in any sentence or with any word? We use a, means हम a का use करते हैं before any naming word, means किसी भी naming word से पहले, that जो कि begins with a consonant,
किसके साथ स्टार्ट होता है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है या कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट होता है। देखिए एग्जांपल, अ हाउस, हाउस इज योर कॉन्सोनेंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस, द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड इज योर, क्या है आपका फर्स्ट लेटर जो है एच है ना, इट्स योर कॉन्सोनेंट। तो इस यहाँ पे किस चीज़ का ऐड हुआ है, ए, एंड इट्स ऑल्सो इन योर सिंगुलर फॉर्म। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपका सिंगुलर फॉर्म है हाउस, ओनली वन हाउस इज देयर, देयर इज नॉट गिवन द मोर देन वन हाउस। ये देखिए बोट, बोट है, इट्स ऑल्सो योर कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स वाई देयर इज ए बोट। स्कूल आपका, स्कूल भी कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे भी ए का यूज़ हुआ है। स्टूडेंट भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे भी ए का यूज़ हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हॉलीडे, यहाँ देखिए हॉलीडे भी आपका क्या है, हॉलीडे आपका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ पे भी ए का यूज़ हुआ है। एंड द लास्ट वन यू हैव वीक, देयर इज ऑल्सो द यूजेज ऑफ ए आर्टिकल। क्लियर, नाउ दिस मच एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, नाउ मूव टू दिस बॉक्स। वी यूज द आर्टिकल ए एंड एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वी यूज द आर्टिकल ए एंड एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और हम आर्टिकल का जो यूज़ करते हैं लाइक ए एंड एन, उसको विथ सिंगुलर फॉर्म, एंड योर वर्ड शुड बी ऑल्सो इन द काउंटेबल नाउन्स। आपका जो नाउन होना चाहिए वो आपका काउंटेबल में होना चाहिए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स यू ऑल हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स, काउंटेबल द थिंग्स विच वी कैन काउंट आर दैट इज एबल टू काउंट, एंड अनकाउंटेबल द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंट, दे आर अनएबल टू काउंट, ठीक है, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ए एंड एन का यूज़ कहाँ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ विथ सिंगुलर, एंड यू वर्ड्स विल बी ऑल्सो शुड बी ऑल्सो द काउंटेबल नाउन, ओके, वी रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट। नेक्स्ट, वी यूज ए बिफोर नाउन, मीन्स हम ए का यूज़ करते हैं बिफोर द नाउन, नाउन से पहले, दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है। एंड एन का यूज़ कहाँ करते हैं, बिफोर नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड, और एन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, अ बैट वोवेल, सॉरी अ बैट कॉन्सोनेंट साउंड, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज आपका जो है वो कौन सा साउंड है, इट्स योर वोवेल साउंड, अ स्नेक कॉन्सोनेंट साउंड, एंड एकॉर्न वोवेल साउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रिमेंबर इट इज़ द साउंड ऑफ लेटर मेक्स दैट डिसाइड्स वेदर वी यूज ए आर एन, मीन्स स्टूडेंट्स नाउ दैट इज गिवन अ शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, नाउ वी विल सी टू दिस वन शॉर्ट पैराग्राफ एंड सम डेफिनेशंस आर ऑल्सो देयर एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल। सो कम टू सी, वी सी अ यूनिफॉर्म बिकॉज हेयर द लेटर यू इज एक्चुअली मेकिंग द वाई कॉन्सोनेंट। यहाँ देखिए आपका यहाँ यूनिफॉर्म राइट है ना, नाउ यू ऑल विल थिंक दिस वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर इज इन द प्लूरल, इज इन द वोवेल, देन आपका यहाँ पे एन होना चाहिए, एन आर्टिकल ऐड होना चाहिए ना, नहीं यहाँ पे ए का ऐड हुआ है, मीन्स ए का यूज हुआ, ए आर्टिकल का यूज हुआ है। सो डू यू थिंक व्हाई इट्स हैपेंड, बिकॉज आपका ये जो यू है लेटर वो क्या कर रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, वो कॉन्सोनेंट साउंड बना रहा है, कैसे, यू यूनिफॉर्म, ये क्या है, यूनिफॉर्म इस तरह से बना रहा है। तो वाई तो हमारा वाई हमारा वोवेल तो है नहीं, वाई लेटर जो है वो आपका वोवेल नहीं है, नहीं है ना वोवेल, तो इसलिए ये हमारा कौन सा साउंड हो जाएगा, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ वी विल ऐड ए आर्टिकल विद, ओके, बिफोर दिस वर्ड, यूनिफॉर्म के साथ ए आर्टिकल यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स मेकिंग द कॉन्सोनेंट साउंड वाई, ओके। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो से अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑल्सो इफ़ यू आर मेकिंग द प्रोनाउंस ऑफ यूनिवर्सिटी, सो लाइक विल बी
यूनिवर्सिटी मीन्स इट्स ऑल्सो मेकिंग दी क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, वाई साउंड बना रहा है ना, तो ये भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा. दैट्स वाई वी आर ऑल्सो पुट ए आर्टिकल बिफोर दिस वर्ड लाइक यू वन रूपी क्वाइन. वन रूपी क्वाइन इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फॉर द सेम रीजन. ओके, बिकॉज दे आर ऑल्सो मेकिंग द कॉन्सोनेंट साउंड. क्लियर. नेक्स्ट, सम वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट दैट मेक अ वोवेल साउंड. इन द वर्ड आवर द एच इज साइलेंस. कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके कुछ लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंस होते हैं. क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं. ठीक है ना, उनको हम रीड नहीं करते. जैसे कि ये स्पेलिंग आपके देखिए, आवर आवर है, होती है ना आवर, उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम हावर तो रीड नहीं, हावर रीड नहीं करते, उसको हम आवर रीड करते हैं. मीन्स आपका इस लेटर जो है वो साइलेंट हो जाता है और हम अपनी प्रोनाउंसिएशन अपनी प्रोनाउंस ओ से स्टार्ट करते हैं. तो ये आपका हो जाता है आवर. मीन्स इट्स मेकिंग यू, इट्स मेकिंग दी वोवेल साउंड. वोवेल साउंड यहाँ पे होगा ना आवर, तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, वी ऐड एन. ओके, एन ऑनेस्ट देख सकते हैं आप, एन ऑनेस्ट है. ओके, एन आवर है, आप लिखते हैं ना एन आवर, ए आवर तो राइट नहीं करते, एन आवर राइट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द आर्टिकल ए एंड एन आर ओनली यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स टू एक्सप्रेस वन. आर्टिकल्स ए एंड एन का यूज हम कहाँ करते हैं, वी यूज ओनली फॉर काउंटेबल. मीन्स ओनली वी कैन यूज दीज आर्टिकल्स फॉर द काउंटेबल नाउन्स विद द सिंगुलर नाउन. ओके, अबाउट एक्सप्रेसिंग अबाउट आवर थिंग्स दैट इज इन वन और दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म. वी डू नॉट यूज दैम फॉर अनकाउंटेबल नाउन. और इस तरह से जो हमारा आर्टिकल ए एंड एन है उसको हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं यूज करते हैं. ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ. आपका अनकाउंटेबल जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक योर आइज, पल्स, ओके, स्नो, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके साथ हम ए एन एन का यूज़ नहीं करते हैं. वी नेवर से अ वाटर. मीन्स वाटर आपका अनकाउंटेबल है, तो वाटर को कभी हम ए वाटर नहीं कह सकते, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वाटर आपका अनकाउंटेबल है ना, इसके साथ हम ए एन एन का यूज़ कभी नहीं कर सकते. वी कान से अ राइस बिकॉज वी कैन नॉट काउंट टू राइस. राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम ए राइस नहीं कह सकते. नेक्स्ट आपका है एन एयर. ठीक है ना, एन एयर, एयर जो है वो भी आपका अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हम एयर के साथ एन का यूज़ नहीं कर सकते. क्लियर. नाउ दिस वर द रूल्स अबाउट टू यूज आर यूजिंग ऑफ ए एन एन. नाउ इट्स टाइम टू मूव द एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. Would you use AR and before these naming words? Sort them into the right boxes. One has been done for you. Dear students, in this box you have some words and you have to add the appropriate ARN article. Okay? And you can see after this you have a box. You have a box here and in one sided box you have A letter words or A sound word and in second box you have N साउंड वर्ड. मीन्स आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को रीड करना है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट नाउ विच वर्ड विल एड ए आर्टिकल एंड वेयर विल यू एड और यू विल एड एन आर्टिकल्स विद विच वर्ड्स. मीन्स किस वर्ड के साथ आप एन का यूज़ करेंगे एंड किस वर्ड के साथ आप ए का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको बताना है. ठीक है ना, यहाँ पे आपको जो भी आपके वर्ड्स हैं, इफ़ यू आर यूजिंग एन वर्ड विद दैट एन आर्टिकल विद दैट वर्ड, तो यहाँ पे आप अपने एन वर्ड को राइट करेंगे. एंड इफ़ यू हैव योर वर्ड्स इन ए आर्टिकल, तो आप अपने उस ए जहाँ पे आप ए यूज़ करेंगे जिस वर्ड के साथ, उस वर्ड को आप यहाँ पे राइट कर देंगे. ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे मैंने राइट किया है, आपका यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे आपका रेसिपी ऑलरेडी है, बिकॉज रेसिपी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. ए का यूज़ कहाँ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं. और उसके बाद यहाँ पे ट्रेन है विथ कॉन्सोनेंट साउंड विथ काउंटेबल साउंड. ओके, मीन्स काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड, काउंटेबल नाउन. ठीक है, कीप रिमेंबर दीज.
ट्रेन आपका है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए एक आ, एक यूज हुआ है आपका, ये दोनों वर्ड जो है वो आप इसमें ए का यूज करेंगे एंड सेकेंड एन इज देयर, सो यू हैव टू वर्ड्स एंड यू हैव सम मोर ब्लैंक विच यू विल गेट ऑन नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 33 विच यू हैव टू ट्राई टू डू बाय योर ओन, आप सब लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। एन है तो एन के साथ एस्किमो यूज हुआ है वोवेल साउंड एंड इग्लू इज ऑल्सो वोवेल साउंड, इट्स ऑल्सो यूजेज विथ एन। एंड नेक्स्ट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इज योर यू आपका क्या है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा ना, क्योंकि वाई वाई साउंड ये क्रिएट कर रहा है। और आपका हैमर जो है वो भी उसके साथ भी आप ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो आप इस वर्ड को यहाँ लिखेंगे। एन है तो यहाँ पे एन का यूज़ कर देंगे, अनियन हो जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा जो कि आपका क्या है सिंगुलर फॉर्म में है। एंड इट्स योर वर्ड, इट्स योर वोवेल साउंड विद द काउंटेबल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टुडेज एक्सरसाइज आर टुडेज टॉपिक अबाउट यूज ऑफ ए एन एन। एंड नाउ वॉट एवर रिमेनिंग वर्ड्स यू हैव लेट्स स्टार्ट टू फिल दिस बॉक्स बाई यूजिंग द करेक्ट ए एन एन वर्ड्स। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू डू योर वर्क एंड देन सेंड मी योर वर्क इन योर थ्रू द स्कूल एप्लीकेशन। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस।